धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज ना चाहते हुए भी आप लोगों के बीच आना पड़ा एक वीडियो को लेकर। और वीडियो मैं बनाने में मजबूर हुआ हूँ, विशेषकर संपूर्ण भारतवासियों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि ईसाइयों का षड्यंत्र किस तरीके से चल रहा है, अर्थात ईसाई लोग किस प्रकार से षड्यंत्र रचे हैं और वो इस काम में प्रयासरत हैं, कैसे कैसे डोरी डाल रहे हैं, कहीं पर जाल बिछा रहे हैं आदि आदि। लेकिन भारत के लोग इस पर चिंतन और विचार नहीं करते। आज एक पादरी ने मुझे क्या लिखा है, मैं उसे आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं और मैं जवाब क्या दिया हूं वो भी मैं सुनाऊंगा। पादरी ने जो लिखा है, समय क्या है इसका, 4:49 पे मेरे पास ये मैसेज आया व्हाट्सएप में, जिस व्हाट्सएप का नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसने भेजा। ये भारत का ही नंबर है 9170660524। फिर मैं बोल रहा हूँ जिस नंबर से व्हाट्सएप आया मेरे पास 9170660524। ये पादरी साहब लिख रहे हैं, नमस्कार पंडित जी, आपके कुछ गणेश दास पहलवान धर्मवीर और सदी पर राय अच्छा बोल लेते हैं, पर वो लोग ट्रैक से थोड़े भटक गए हैं और सच को कबूल ही नहीं कर पाते। मान लो आपके 5 साल का बच्चा कुंभ मेले में खो गया और किसी हमारे जैसे फादर के पास वो पलने लगता है, 15 साल तक वो उस पर पढ़ा लिखा कर उसे एक अच्छा इंसान बना देते हैं। फिर हमें ये पता चला कि ये आप उसके असली माँ बाप हो, तो रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वास में जकड़े हुए बेहद पिछड़े हो। रहम आपको आपका खोया बेटा वापस करने आए, जो अब बहुत तरक्की करके बेहद जेंटल और अमीर बन चुका है परमेश्वर की कृपा से, तो आप क्या बोलेंगे? 3 क्वेश्चन मार्क। मुझे तो मेरा 5 साल का बच्चा चाहिए, 3 क्वेश्चन मार्क। भाई संदीपन राय गणेश दास, आपका वो सदियों पुराना धर्मवीर, उस वक्त वो ही 5 साल का बच्चा था, जो आज परमेश्वर यहोवा की कृपा से 25 साल का पहलवान जवान होकर तरक्की कर चुका है, उसे अपनाओ। और एक बात, यूपी से किसी भी तरह से योगी को हराने में मदद करो हम लोगों की, क्योंकि अगर ये यूपी जीत गया तो उसकी नज़र दिल्ली पर होगी, जो कि हमारे सेकुलरिज्म पर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बाकी संदीपन राय और गणेश दास के लिए खुली चुनौती, ये नान हिंदी जान केरी ना है ना धर्मवीर जी ज्ञानी सर जो की धमकी दिया ना यूपी में अखिलेश आने तो फिर देखते हैं, असली संतान प्रभु यीशु की शरण ही है,
सदी पर राय बताना, ईशावास सर्वम, ईशावासम सर्वम सर्वदा आशी, अर्थात यीशु हर जगह हर एक मौजूद है। अभी थोड़ा आर्थिक तंगी है, वरना हम साबित कर देंगे आपके बंदे में से ही यीशु प्रभु का प्राणी है। पंडित जी आप हमारे साथ आओ तो सही सत्य के ज्ञान की ओर। देखो, देख लो पंडित जी, और संदीप राय है क्या कर रहा है? तुम्हारे वेद कहकर कह रहा है कि जगत का स्वामी यीशु है। फिर भाई जब वेद को मानते हो तो गले में फांस पहनने में बुराई क्यों है? हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। पास्टर बाल पाल दिनकरन जी आपकी काबिलियत के बहुत प्रशंसक हैं, मगर आपका टैलेंट ठीक जगह इस्तेमाल ना हो रहा है। अभी तो खैर हम थोड़ी फाइनेंशियल मुश्किल में हैं, पर मोदी हमेशा ना रहेगा, कभी तो कांग्रेस आएगी, फिर से हमारे स्कूल, हॉस्पिटल, लंगर, आरोग्य, यतीम खाना चलेंगे और समाज सेवा हम लोग करेंगे। आप हीरा हो, और हीरा सही जगह होना चाहिए। संदीप राय और गणेश दास का व्हाट्सएप नंबर, धर्मवीर जी का व्हाट्सएप नंबर, उनके एक महीने व्हाट्सएप नंबर दो, उन्हें एक महीने के अंदर में यीशु के शरण में मैं नहीं ला पाया तो फिर फादर कहलाना छोड़ दूंगा, फादर ना कहलाऊंगा। सुनिए दुनिया वालों, इनकी षड्यंत्र, एक एक शब्द आप लोगों को मैं पढ़कर सुना रहा हूं। आगे क्या लिखा है देखिएगा जरा। ईशा प्लस वर यानी ईश्वर। वर का मतलब था है धारण करना यानी कबूल करना। ईश का मतलब यीशु। इसी शपथ से साफ, इसी शब्द से साफ साफ हो जाता है जिसने यीशु को वर मान लिया यानी यीशु का वर्ण कर लिया, जैसे एक औरत के उसके पति का वर्ण करना होता है। उस तरह संपूर्ण मानव जाति के लिए यीशु एक वर है जो परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र है। आप कहाँ भटके हुए हो पंडित जी? आइए सत को स्वीकारिए। पवित्र बाइबल आपको हम मुफ्त में भेजेंगे, आपको बहुत ज्ञान आएगा। पाल दिनाकरन जी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के CEO है, खुद आपसे मुलाकात करेंगे। इतना बड़ा सौभाग्य आपका, भारत का सबसे बड़ा फादर आपसे मिलेगा, ये उन्होंने लिखा है। और मैंने जो जो जवाब दिया है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। मेरे अच्छे भाई ज्ञानी जी, आपने लिखा यीशु माने ईश्वर और वर का अर्थ है वरण करना, ये लिखा है। आप ही ने लिखा है यीशु के माने ईश्वर, फिर लिख रहे हैं ईश्वर का इकलौता बेटा। देखिए ये अपने बात में अपने आप ही फंस गया। यीशु के माने ईश्वर बोला पहले, और फिर कह रहा है यीशु के माने ईश्वर का बेटा, इकलौता बेटा। ये दोनों बातें सच की ओर कैसे हैं? अगर आपके अनुसार यीशु ही ईश्वर है, फिर ईश्वर का पुत्र होना क्या अपने आप में ये झूठ नहीं? अगर यीशु ही ईश्वर है फिर यहोवा कौन है और मेरी कौन है? रही बात आपके दिनाकरन की, जिसे आपने भारत का सबसे बड़ा पादरी माना है, वो मेरे पास तर्क में कई बार हार चुका है और न जाने कितने पास्टर पांव पड़ करके माफ़ी मांगा है, और आप गिड़गिड़ाते हुए देखा भी होगा शायद यूट्यूब में वो सारा वीडियो लगा हुआ है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, जिसे चाहो लेकर आओ,
मैं हार गया तो मैं ईसाई बन जाऊंगा और तुम हार गए तो वैदिक धर्मी बन जाना। एकदम सीधी सी बात है, हिम्मत है तो सामने आओ। फिर उसने लिखा, सर संधि पर राय बहुत गलत बोलता है धर्मवीर पहलवान। हम सामने आने को तैयार हैं, बस आप यदि हार गए तो आपको आप अपने फेसबुक में योगी के खिलाफ प्रचार करना होगा, यही हमारी शर्त है, बोलो मंजूर। उसने लिखा, फिर उसके जवाब में मैं बोला, जो लिखा गया है उसका जवाब देकर दिखाओ। फिर उसने लिखा, क्या पूछना चाहते हो? मेरे प्रिय गुरुवर, आप सवाल करो, आप हीरे हो और हीरे ही असली हीरे की जगह में होना चाहिए। ये स्वस्थ बहस गाली गलौज नहीं। देखिए, ये हमें गुरु भी माना है, हीरा भी माना है, और ये नहीं, भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक मैं बता दूं, और ये सारा वीडियो लगा हुआ है। पहले भी इस तरीके से प्रयास किया है इन लोगों ने, करोड़ों करोड़ों रुपया ऑफर दिया है मुझे ईसाई बनने के लिए, और न मालूम क्या क्या बोला है। तो फिर मैं इसके जवाब में लिखा हूँ, हमने लिखा है हार गए तो, मैं तो हार गया तो मैं ईसाई बन जाऊँगा, अगर तू हार जाए तो क्या करेगा, उसे भी तो लिखना था मेरे भाई। बिल्कुल स्वस्थ आ जाओ, सामने आओ। फिर उसने लिखा है, अगर मैं हार गया तो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से मुझसे ज़्यादा ज्ञानी पास्टर को लाऊंगा। देखिए, उसको मैं पहले बोला कि जिसको चाहे उसको ले आओ साथ, जिसके मन करे, जिसका मन करे उसको साथ लेकर के आओ। मैं हार गया तो ईसाई बन जाऊंगा, लेकिन वो हारने की बात वो कह रहे, मैं हार गया तो फिर बड़ा पादरी को ले आऊंगा। आपके फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं, आप फेसबुक पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लिखो तो आपको भी फायदा हो, हमें भी फायदा, सपा का टिकट। फिर मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, जिसे चाहे वो लेकर आओ, क्या करेंगे वो देखा जाएगा, सामने तो आओ, डिबेट हो जाए पहले। फिर उसने लिखा, भाई हमने ईश्वरीय ईशावास वाले श्लोक के ही दिखा दिया है कि वेद में यीशु का नाम है, सबसे बड़ा सबूत क्या चाहिए। देखिए, ईशावासमिदम, ईशा वहाँ शब्द है, ईशावासमिदम सर्वम। अब वो ईशावास को यीशु मान रहा है, ईशा ईश के लिए, ईश्वर के लिए कहा गया है, वो इसको यीशु मान रहा है। अच्छा, फिर वो क्या लिखता है, NDTV पर सवाल हमें देखे देंगे लिखकर, वो कह रहे कि NDTV पर हम सवाल लिख करके देंगे, बोलो मंजूर। फिर मैंने लिखा, सामने बैठ कर डिबेट होगी, NDTV में हो या DNTV में हो, जहाँ चाहो वहीं डिबेट करो। फिर उसने लिखा, हम NDTV पर सरेआम चमत्कार दिखाएंगे, हम लोहे के दो पीस लेंगे, एक पर हनुमान लिखेंगे और एक पर प्रभु यीशु लिखेंगे, दोनों को पानी में डालेंगे, पूरा देश देखेगा, आप देखना हनुमान लिखा हुआ डूब, हनुमान लिखा हुआ डूब जाएगा और यीशु लिखा हुआ नाम लिखा हुआ पानी में तैरेगा। सबसे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण और क्या दें, ये 3 क्वेश्चन मार्क लिखा है। ये हम ये प्रमाण के बारे कई बार और कई सभाओं में देते आए हैं, बोलो हालेलुया, हमारे साथ आ जाओ। प्रभु यीशु 2024 के बाद राहुल सरकार बनने ही गरीबी दूर कर देंगे। संदीप पर रॉय का नंबर दो, उसे औकात दिखानी है। फिर उसने अपना नंबर दिया है, 7006605524। फिर लिखा है कि अभी तो हमारी ही आटा दाल गिली चल रही है मोदी के वजह से, बस राहुल आने दो, फिर सब समाज सब्बा और गरीबी की हेल्प शुरू। अबे मेरे से तो बात कर रहा है तो फिर संदीपन राय का क्या करेगा, मेरे से बात कर, तू क्या जादू जानता है, क्या जादू दिखाता है,
वैसे ही जादू दिखाने वाले बहुत देखे हैं, बहुत गए हैं। अभी तो तालकटोरे स्टेडियम में कर रहा था, वो तो वो दिखाया नहीं, वो तेरे खेल पकड़ी गई सुदर्शन न्यूज चैनल में नहीं दिखाया दुनिया वालों ने। मेरे सामने बकवास मत कर, अगर है हिम्मत तो सामने आकर के डिबेट कर, NDTV में कर, DNTV में कर, जहां मानी रविश को लिया, रविश के बाप को भी लिया, उसके ससुर को भी लिया, उसके पत्नी को भी लिया, सबको ला करके बिठा और रविश निर्णय दे कि सच क्या है और खुलेआम डिबेट कर, रविश है या राविश है प्रमाण हो जाएगा। ज्यादा बकवास करने की आवश्यकता नहीं है, सामने आकर के डिबेट कर। इतना बोल दिया तब भी मान नहीं रहा है तू, इतना लिखने के मैं सारा उजागर करूंगा, अभी सब YouTube में डालूंगा, Facebook में डालूंगा। सामने आ, अगर हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट कर, NDTV में ही करेंगे, NDTV में तैयारी कर, NDTV में बैठ करके डिबेट करेंगे, दुनिया भी देखेगी, दुनिया जानेगी सच्चाई कहाँ है, किनके पास है। संपूर्ण ईसाइयों को भारत छोड़ना पड़ेगा, ये प्रॉमिस कर पहले, अगर हार गया तो संपूर्ण भारत से ईसाइयों को छोड़ना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा, ये प्रॉमिस कर, अगर हिम्मत है तो सामने आ। तेरी आटा दाल गीली चल रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल? क्या राहुल का 14 खानदान नहीं आ पाएगा कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए, इतना याद रख, राहुल जैसे पागल को भारत के लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे, तेरे जैसा ईसाई जो वो अपने को ब्राह्मण बता रहा है, जनौधारी ब्राह्मण बता रहा है, जनौ पहन करके, और तो ईसाई उसके पीछे पड़ा है। तुम एकदम मूर्ख हो, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, निहायत मूर्ख हो, तुम लोगों के पास अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो प्रॉमिस कर रहे हो उसको आओ ना, सामने आओ ना। संदीपन रॉय को छोड़ो और गणेश दास जी को छोड़ो, वो तो मेरे बनाए हुए बच्चे हैं, उनको तो जवाब नहीं दे पाए पहले ही, ना संदीपन रॉय को जवाब दे पाए और ना गणेश दास जी को जवाब दे पाए और ना बिपिन को जवाब दे पाए, किसी को जवाब नहीं दे पाए। और तुम्हारा पादरी कितना गिड़गिड़ा रहा है, पाँव पड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, नाक रगड़ रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, वो सब नहीं देखा है? जब जी देखा है तो फिर अब क्यों उलझ रहे हो? सामने आओ, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं अगर हार गया तो संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री तो योगी के खिलाफ प्रचार करने के लिए बोल रहा है, मैं योगी के खिलाफ नहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी प्रचार करूँगा। और अगर तू हार गया तो संपूर्ण भारत खाली करना पड़ेगा ईसाइयों से, इतना बड़ा चुनौती, इतनी बड़ी चुनौती मैं दे रहा हूँ, अगर है हिम्मत तो सामने आकर के डिबेट कर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिन बाप के संतान पैदा होते हैं कि हाँ, ये कौन सा साइंस ने माना है, तो उसको दिखा देंगे, दुनिया वाले भी देख लेंगे। संदीपन रॉय भी रहेगा मेरे साथ और गणेश दास जी रहेंगे मेरे साथ, ये दोनों रहेंगे, पहले दोनों को बढ़ाएंगे फिर उसके बाद मैं हूँ। और इन दोनों को ही हरा दिया ना तब भी मैं जानूंगा, मेरी खुली चुनौती है, आ जा सामने, सामने आ करके डिबेट कर। फिर इसमें मैं वॉइस में बोला उसको, मोदी हमारे कितने NGO को बंद करा दिया, फिर मैं उसको वॉइस में बोला, वॉइस भी सुना देता हूँ। अबे मेरे से तो बात कर रहा है तो फिर संदीपन राय का क्या करेगा, मेरे से बात कर, तू क्या जादू जानता है, क्या जादू दिखाता है? वैसे ही जादू दिखाने वाले बहुत देखे हैं, बहुत गए हैं। अभी तो तालकटोरे स्टेडियम में कर रहा था, वो तो वो दिखाया नहीं, वो तेरे खेल पकड़ी गई सुदर्शन न्यूज चैनल में नहीं दिखाया दुनिया वालों ने। मेरे सामने बकवास मत कर, अगर है हिम्मत तो सामने आकर के डिबेट कर, NDTV में कर, DNTV में कर, जहां मानी रविश को लिया, सबको ला करके बिठा और रविश निर्णय दे कि सच क्या है और खुलेआम डिबेट कर, रविश है या राविश है प्रमाण हो जाएगा।
फिर उसमें मोदी हमारे उसने लिखा सामने आकर के डिबेट कर रही है, इतना बोल दिया उसने लिखा मोदी हमारे कितने एनजीओ को बंद करा दिया है। सर आप कसम से मोदी और योगी के खिलाफ लिखना शुरू कर दो, और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया आप कि आपको गुलाबी गुलाबी मंगलयान वालों की कम नहीं रहने देंगी। पिछले 7 साल से हमारे खुद के खर्चे हमारी खुद की पेमेंट में लारे आपके देश के प्रधानमंत्री ने डाल रखे हैं। 7 साल से ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर मैंने उसको वॉइस में बोला, फिर उसमें उसने लिखा है नहीं करेंगे खाली, क्योंकि मैं उसको बोला कि अगर मैं डिबेट में हार गया तो मैं ईसाई बन जाऊंगा, और तुम अगर डिबेट में हार गए तो संपूर्ण भारतवर्ष को ईसाइयों से खाली कर दोगे। अगर संपूर्ण भारतवर्ष को ईसाइयों से खाली कर दो तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम हार गए तो। पर वो हारने की बात तो नहीं कर रहा है, वो जीतेगा। अरे जीतेगा तो सामने आने पर ही जीतेगा या अपने घर बैठे जीतेगा? जीतने के लिए तो मैं आज तक किसी को खाता तक खोलने नहीं दिया, जो आया वो मुंह के बल गिरा। आज 39 साल हो रहा है, और इन्हीं टीम में ये जो दिनाकरण और ये जो बोल रहा है, कितने लोग गिड़गिड़ाए हैं पादरी साहब, कैरी फैरी आप लोगों ने भी सुना होगा, और उसी में कितने पादरियों को मैंने वैदिक धर्मी बनाया है। ये मुझे हीरा माना, गुरु माना, और क्या क्या लिखा है वो सब आप लोगों को मैं पढ़ के सुना है। नहीं करेंगे खाली, एक दिखे मैं बोला भारत खाली कर दो तो फिर क्या नहीं करेंगे खाली, क्योंकि ये देश परमेश्वर यहोवा का है, और परमेश्वर यहोवा ने आदम को भारत में लाया था। ये देखिए क्या लिखा है कि वो परमेश्वर यहोवा पर सवाल उठाते हैं, फिर मेरी भगवान आत होता है। देखिए वो क्या लिख रहा है, परमेश्वर पर सवाल उठाते हैं, मेरी भगवान आहत होता है। फिर मैंने उसको बोला आवाज में कि ऐसे को भगवान क्यों मानता है, कि भगवान किसी के कहने पर वो आहत हो तो ऐसे को भगवान मानना कैसा संभव होगा। हमारे परमेश्वर, उसने लिखा, हमारे परमेश्वर ने तुम जैसे घटिया लोगों के पाप के लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया ताकि तुम पापी न रहो। तुम्हारे बुजुर्गी ने अदन की वाटिका में शैतान के बहकावे में आकर फल खाया, इसका नतीजा आज तक संपूर्ण मानव जाति भुगत रहा है। अब देखिए जो यहोवा जिसकी इतनी लंबी चौड़ी हाँके ये कर रहे हैं, ये कुरान वाले भी यही बोल रहे हैं, जो एक शैतान को ही नहीं अपने काबू में कर पाया, जो अल्लाह शैतान को अपने काबू में नहीं कर पाया। आज सुबह तो मैं एक वीडियो डाला हूँ, एक मौलाना से मेरी वार्ता हो रही थी, उसने क्या क्या बोला, मैंने क्या जवाब दिया, वो सब आप लोग सुने हैं, और ये भी इसी तरीके से कर रहा है। और इन्हीं टीमों में, इन्हीं पादरियों को टीमों में मैंने बहुत पादरियों को वैदिक धर्मी बना चुका हूँ, जो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में हो, मध्य प्रदेश में हो, बहुत सारे लोग इस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है पादरियों में। लेकिन इसने या इस ईसाई जगत ने महेंद्र पाल आर्य को लोहा माना है, ये बिल्कुल तयशुदा बात है, जो वो अपने आप में स्वीकार कर रहा है, स्वीकार किया है। और जो मेरी बनाई हुई टीम है, चाहे वो संदीपन रॉय हो, चाहे गणेश दास जी हो, चाहे वो विपिन जी हो, ये सब मेरी टीम जो बनाई हुई है, ईसाइयों को मुंह तोड़ जवाब दे रखा है। एक हरिओम टेके है जो पूना के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरी जो बनाई हुई टीम है वो संपूर्ण भारत में यत्र तत्र इन ईसाइयों की दुकान बंद कराने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं विशेषकर भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो इस राहुल गांधी के लिए प्रचार हो रहा है, दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है,
दूरदर्शन वाले भी सच से कोसों दूर है। कोई भी दूरदर्शन में सच्चाई को नहीं बताया जाता, नहीं दिखाया जाता, दूरदर्शन वाले भी सत को छुपाकर बोलते हैं। जो दूरदर्शन वाले राहुल गांधी को ब्राह्मण बता रहा है, जनौधारी ब्राह्मण बता रहा है, कांग्रेसी जनौधारी ब्राह्मण बता रहा है, और ईसाइयों ईसाई लोग उनके पक्ष में प्रचार में लगे हुए हैं, अभी देखिएगा। और उसी राहुल गांधी के प्रचार के लिए मुझे भी खुशामद किया जा रहा है, मुझे गुलाबी गुलाबी हरा हरा नोट दिखाया जा रहा है उस राहुल के नाम के प्रचार का। तो मैंने बोला, तू राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का तू ख्वाब देख रहा है, हमारे भारत के लोग इतने कम अकल वाले नहीं है कि राहुल जैसे बुद्धि ना रखने वाले को भारत का प्रधानमंत्री बनाएगा कोई। वो तो ममता बनर्जी को ही जवाब दे करके दिखा ना। ममता बनर्जी तो विरोध कर चुकी है, पहले भी कर चुकी थी, अब भी कर चुकी है। राहुल प्रधानमंत्री बनने के लायक है, वो भी भारतवर्ष के? अरे तुम लोगों को दिन में ख्वाब देख रहे हो। जो आलू से सोना बना रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलूं कि ये राहुल क्या, राहुल की पिता की बात मैं बता दूं आप लोगों को। एक बार जब संजय गांधी प्रधानमंत्री थे, तो कोई किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए गए थे। उस समय मिर्च महंगा हो गया था, तो उन्होंने किसानों से पूछा कि कौन सा मिर्च महंगा है, तो लोगों ने बोला लाल मिर्च। तो संजय गांधी बोल रहे, तो लाल मिर्च आप लोग क्यों बोते हो, आप लोग हरा मिर्च क्यों बोते हो, लाल मिर्च बो। अब ऐसे पिता के पुत्र हैं ये राहुल, तो इनके पास अकल कहाँ से आएगी, इससे ये अंदाजा लगा लीजिए। खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भारत में ईसाई लोग कांग्रेस के प्रचार में, कांग्रेसियों के प्रचार में, सोनिया गांधी के प्रचार में, मैं इसको बोला कि डिबेट में अगर संभव हो तो सोनिया गांधी को भी ले आए NDTV में, मैं सबको दिखा दूंगा। मैंने खुली चुनौती दिया है उसको, और आप लोगों को ये चुनौती मैं सुना रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि अगर मैं हार गया तो मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करूंगा। मैं ही नहीं, मैं बहुतों को सत्य सनातन वैदिक धर्म स्वीकार करवा दूंगा। और तुम हार गए तो भारतवर्ष से ईसाइयों को खाली करना पड़ेगा, हमारा देश ईसाइयों मुक्त देश होना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं, लोग आज न मालूम चिल्पों कर रहे हैं, जिसके मन में जो आ रहा है, सन्नासी होकर के भी, जिनको शांति नहीं है, सन्नासी होकर के भी मारने मरवाने की बात कर रहे हैं, सन्नासी होकर के भी लड़ने लड़ाने की बात कर रहे हैं, सन्नासी होकर के भी झगड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस पर काम करना चाहिए था उस पर काम किसी ने नहीं किया, उस पर काम उन सन्नासियों का भी नहीं है और ना वो कर रहे हैं जिस पर काम होना चाहिए। इसीलिए मेरा काम दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है, सत्य प्रकाश का वितरण किस तरीके से चल रहा है, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में सत्य प्रकाश का वितरण निःशुल्क, भाई मगनलाल जी बम्बई वाले निःशुल्क अपने जेब से पैसा लगा कर, डाक खर्च लगा कर उन्हें भेजते हैं। संपूर्ण भारत भर में ये सब काम चल रहा है। तो क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ना हिंदू संगठन वालों को पता है। हिंदू संगठन वालों को पता अगर होता तो फिर ये राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन क्यों बनाते। ये सब ढकोसला है, और इन ढकोसलाबाजों के द्वारा देश की रक्षा होना संभव नहीं है। इसलिए बंधु, मैं दो टुक में आप लोगों को ये सच्चाई बता दिया हूँ, और ये सच्चाई क्या क्या हुआ है वो सब मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाया, और स्क्रीन में भी इसको सब दे देता हूँ। आप लोग भी इसको देखिए, सुनिए, समझिए, और उन ईसाइयों का जो नंबर मैं बताया हूँ उससे संपर्क करिए। जबकि गणेश दास जी को नंबर दिया, संदीपन जी को भी नंबर दिया, उन्होंने मिलाया, वो उठाया नहीं, और दोबारा उसने नंबर दिया, बीच में भी नंबर दिया। खैर, इस तरीके से मेरा काम चल रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस वेद प्रचार कार्य को जब जब आप साथ नहीं देंगे, अगर आप साथ नहीं देंगे इस वेद प्रचार कार्य को, जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हिंदू घराने के बेटे और बेटियों को ईसाई और मुसलमानों के हाथ से बचाया जाना संभव नहीं है।
ईसाई और मुसलमान मुंह बाए खड़े हैं, आपके घराने के बेटा बेटी को ईसाई और मुसलमान बनाने में वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये हिंदू, तथाकथित हिंदू, जो तथाकथित हिंदू कहता हूँ मैं कि हिंदू बनाम रट्टू तोता है, ये सच्ची सच को नहीं जानता, सही क्या है गलत क्या है इसको नहीं जानता है, ये बकवास किए जा रहे हैं। कुछ लोग उन सन्यासियों को भी समर्थन कर रहे हैं जो के लड़ने लड़ाने की बात कर रहे हैं, जो बलि प्रथा की बात कर रहे हैं, जो बलि देने की बात कर रहे हैं, जो मूर्ति के सामने में बलि चढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो मूर्ति को पानी, दूध मिला पानी चढ़ा रहे हैं, जिसको आज तक ये अकल नहीं है कि सही अर्थों में मूर्ति में खाने पीने की क्षमता है या नहीं है। तो इस तरीके से इन पाखंडियों को पहले संभालना पड़ेगा। इसीलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आर्य समाज के आठवां नियम में ऋषि ने लिखा है। तो आप लोगों को चाहिए अविद्या का नाश आप लोग करने के लिए अग्रसर होइए, महेंद्र पाल के साथ लगिए। आज दो मुसलमानों से मेरा संपर्क हुआ है, एक हमारे भाई अय्यास जी है, बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने उसको बोला कि भाई तुम सच्चाई को जान करके अभी भी तुम असत के पक्षधर क्यों हो? तो बोले गुरुजी ये तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैंने कहा जब मुझे पिता मानते हो तो मैं एडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब इतना बड़ा ऑफर शायद तुमको कोई नहीं दिया होगा, यह आज की घटना है, आज की बात है। ये किसी तरीके से कलकत्ता शहर का एक रहने वाला है जिनसे मेरी वार्ता हुई है। अभी वार्ता मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंची है, लेकिन वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं। हमारे मित्रों के द्वारा उनको सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध हो चुका है, सत्यार्थ प्रकाश वो पढ़ रहे हैं, यह आज की घटना है। तो इस तरीके से मेरा काम निरंतर चल रहा है। आओ, किसको सत्य सनातन वैदिक धर्म प्यारा है वो आओ, साथ लग करके हम काम करें। आप लोगों ने देखा और सुना कि ईसाई लोग मेरे पीछे षड्यंत्र किस तरीके से रचे हुए हैं कि मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर ईसाई बन जाऊं। और ये प्रयास ईसाइयों का ही नहीं है, बौद्धिस्टों का भी है, इस्लाम का भी है, सबने मिलकर के प्रयास किया है जो आप लोगों के नज़र के सामने है। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में जो मैं लगा हुआ हूँ, इन लोगों का क्या प्रयास है, इस पर भी आप लोग गौर करना। ये सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में मैं इतने लोगों को ला चुका हूँ, इतने लोगों के प्रयास में लगा हूँ, दिन रात यही काम कर रहा हूँ। लेकिन जो उसने बोला कि आप हीरा है, कीचड़ में पड़े हो, हीरा का स्थान कहाँ है वो हम जानते हैं। तो ये सही बात है कि हीरा तो जौहरी ही जानता है, लेकिन वो हीरा है या वो कीचड़ है या वो जौहरी है वो तो मैं जान रहा हूँ। लेकिन आर्य समाज में या हिंदू समाज में हीरा का पहचान नहीं है। ये आज 39 वर्षों से ही मैं देखा, जाना, सुना, समझा, परखा, तभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ हीरा की पहचान नहीं है। इसलिए ये धक्का खा रहे, खाएंगे भी, क्योंकि ये सब लोग ऐसे ही हैं, मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक यानी जिसमें खाने पीने की क्षमता नहीं है उसे खिला पिला। आप बोलेंगे आर्य समाजी नहीं, आर्य समाजी इससे अछूता नहीं है, कहीं आप यूँ समझ रहे हो। ये पति आर्य समाजी है, पत्नी को आर्य समाजी नहीं बना पाए, ना बच्चे आर्य समाजी हैं इनके, ये तो सब वैसे ही ढकोसलाबाजी चल रहा है। ये दिल्ली सभा के प्रधान जो है उसके बेटा आर्य समाजी है या नहीं पूछ लेना जरा। दिल्ली सभा का जो प्रधान है उसका पुत्र आर्य समाजी है या नहीं है जरा उन्हीं से पता कर ले, जो बाद में पता चलेगा। और सब जगह यही है, सब जगह के लिए कह रहा हूँ मैं, सब जगह यही है। पर हीरा की पहचान इन लोगों के पास नहीं है जो ईसाई लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य, ये वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पर आइकन बेल दबाना ना भूलना। कहिए भारत माता की जय।